हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पेपर गार्लिक चिकन। तो ये रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके लिए हम लेंगे चिकन, जो कि ऐसे हम इसमें स्लिट्स लगा देंगे सब जगह। मैंने दो तंगड़ी ली हूँ और इसमें 7 से 8 कलियाँ लहसुन की। और इसमें हम लेंगे तकरीबन 10 से 12 काली मिर्चें और हम डालेंगे नमक। तो मैंने लहसुन की कलियों को छीली नहीं हूँ, हम इसे ही ऐसे ही दरदरा पीस लेंगे। और नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर हमें कम पीसना है और अगर मिक्सर कभी जार में पीसा नहीं जाता कम कम, तो नमक डालने से क्या होता है, उसकी ब्लेड शार्प हो जाती है और वो बारीक पीसा जाता है। तो इसे हम पीस लेंगे। मसाला पीसकर तैयार है, अब हम इसे चिकन पर कोट कर देंगे। अच्छी तरह कोट करने के बाद हम इसे आधा घंटा मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा करना है या तुरंत करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम चिकन पर ये अच्छी तरह रब कर लेंगे और जो भी स्लिट्स बनाए हैं उसमें हम अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो हम इस पर ज़्यादा मसाला नहीं लगा रहे हैं। अब मैं इसको बेक करने वाली हूँ, तो सिल्वर फॉइल भी हम कट करके रेडी कर लेंगे ताकि ये उसमें रैप करके अच्छे से बेक कर सके। अगर आपको ओपन करना है बेक तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर फॉइल लगाने से क्या है ना, उसका कलर और मॉइस्चर वो सब मेंटेन रहता है, क्योंकि बाद में तो हमें इसे निकाल करके हल्का सा बटर में कोट भी करना है। तो वो हिसाब से मैं उसे बेक कर रही हूँ। तो हम इस पे ज़्यादा मसाला नहीं, ऐसे स्लाइट मसाला ऐड करेंगे। ये हो गया मसाला रब। और इसे मैरिनेट करते हैं आधे घंटे के लिए। तब तक के हम माइक्रोवेव को भी प्रीहीट करने के लिए रख देंगे 200 डिग्रीज के लिए। तो मैंने सिल्वर फॉइल को ऐसे बिछा दी हूँ एक बेकिंग डिश पर और इस पर हम चिकन को प्लेस कर देंगे और बाकी बचा हुआ मसाला भी ऊपर कोट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह रैप कर लेंगे। और हमने आधा घंटा जो मैरिनेशन किए थे उस बीच में ओवन और माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है, तो हम उसमें रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट और इसे अच्छी तरह कुक कर लेंगे। तो मैं इसे इसको फोल्ड कर दे रही हूँ। ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो गया। और हम इसे अभी ओवन में प्लेस कर देंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं इसे निकाल करके चेक करूँगी। तो इसके सारे जूसेस भी आ चुके हैं बाहर। और जैसे कि आप देख रहे हो चिकन भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। एक नॉनस्टिक पैन में हम बटर को हीट कर लेंगे। तो मैंने 1 चम्मच के इतना बटर ली हूँ, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। तो हमने बटर को ऐड कर लिया है। तो
तो हमने बटर को ऐड कर लिया है। अब हम चिकन को इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब इसे हम फ्लिप कर लेंगे ताकि इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कोटिंग आ जाए। और दोनों तरफ अच्छे से कुक हो जाए। चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और गार्निश कर लेते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी पक भी जाती है और इसमें हमने ज़्यादा तेल भी यूज़ नहीं किया, तो ये काफ़ी हेल्दी है। तो ये ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।